बचाओ भैया, गाजीपुर जल रहा है, गाजीपुर धू धू करके जल रहा है। यहाँ का चेयरमैन सोया है, यहाँ का सांसद सोया है, यहाँ का विधायक सोया है, यहाँ का मंत्री सोया है। हे योगी जी, गाजीपुर को जलने से बचा लीजिए, बचा लीजिए योगी जी। हम किसी प्रतिक्रिया बाद में नहीं है। हे देश के प्रधानमंत्री जी, गाजीपुर को जलने से बचा लीजिए। हमारे नगर में सारा कूड़ा कचरा गंगा के किनारे डाला जाता है, धू धू करके जलता है। हमारा निकृष्ट, हमारा बेईमान और हमारा एक तरह से नासमझ चेयरमैन इस नगर को फूंक रहा है, आग लगा करके धू धू करके जला रहा है। योगी जी, हमने ट्वीट किया था आपको भी, प्रधानमंत्री जी हमने कितनी बार ट्वीट किया आपको, हमने आपके पोर्टल पर भी डाला था। हे मनोज सिन्हा जी, यद्यपि 1000 लोग आज की तारीख में अगर इस संक्रमण से उनके फेफड़े संक्रमित हो जाएंगे, मर जाएंगे, तब भी आपको कोई खराब नहीं कहेगा, क्योंकि आपसे प्यार हो गया है। और प्यार बड़ा अंधा होता है मनोज जी, लेकिन प्यार ऐसे ही परवान नहीं चढ़ेगा, प्यार कभी तो खत्म होगा। मनोज जी, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, माना कि यह हालत देख करके गाड़ियों में जा रहे लोग कहेंगे कि यह मानसिक संतुलन इस व्यक्ति का खराब हो गया है, दिमाग इसका काम नहीं कर रहा है। करेगा कौन, सारे लोग सो रहे हैं। यह एनएच है, सीधे बिहार को जोड़ने वाली सड़क है, या सीधे गया को जोड़ने वाली सड़क है, करेगा कौन। धू धू करके नगर चल रहा है, चारों तरफ आपने पॉलीथीन जला दिया, अपशिष्ट पदार्थ जला दिया, दवाओं का रैपर जला दिया, तमाम केमिकल जला दिया, आने जाने वाले लोगों के फेफड़े संक्रमित हो रहे हैं, करेगा कौन, कौन आपको समझाएगा। हमने किया ट्विटर, हमने किया मेल, हमने आपको आपको जितने भी संचार माध्यम थे हमने भेजा। यह राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह से जो कूड़े जल रहे हैं, सांसद जी, मनोज सिन्हा जी, आप तो PHU से अंत्यक किए हैं ना, आपको पता होगा कि इन कचरों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, मीथेन, लेड, तमाम तरह की हानिकारक गैसें जलती हैं, कौन समझाएगा। माना कि नगर पालिका का चेयरमैन लेमैन की भूमिका में है, मूर्खों की प्रजाति में है। हे संजय कुमार खत्री, गाजीपुर के जिलाधिकारी, तुम तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हो, तुम्हें यह पता है कि किस प्रकार प्रदूषण से 1/4 लोग मरते हैं। मैं चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इसका कितना असर होगा, लेकिन जो भारत के संविधान में हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उसका हम पालन करते हुए संविधान में कहा गया है, 42वें संविधान संशोधन में इस बात का उल्लेख है कि देश का हर व्यक्ति पर्यावरण को बचाएगा, राष्ट्रीय हित में काम करेगा, देश को उन्नत की ओर ले जाने में हर वह काम करेगा जिससे देश की प्रगति हो। देख लीजिए ना, हम संक्रमण की स्थिति में हैं और हमारे फेफड़े में भी लगातार जहर घुल रहा है। हम किस तरह से गाजीपुर को अच्छे दिन में ले आ रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि देश हमारा बदल रहा है। हे योगी जी, कुछ कर दीजिए, बड़ा नाम है आपका, आपको भी भेजता हूँ, आप कर देंगे कार्रवाई, करिए नगर पालिका के EO पर कार्रवाई कर दीजिए, यहाँ के चेयरमैन पर कार्रवाई कर दीजिए, यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कर दीजिए। देख लो ना योगी साहब, मोदी जी को मां गंगा ने बुलाया था और आपको भी गाजीपुर की गंगा बुला रही है। देख लो, यह जो गहराई का क्षेत्र मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर माँ गंगा है, और यह कूड़ा कचरा गंगा में भी फेंका जाता है और यहाँ भी फेंका जाता है। धू धू करके जलते कूड़े और कचरे दिखा रहे हैं कि हम किस तरह से निकम्मों की श्रेणी में जीवन जी रहे हैं, किस तरह से हम मूर्खों की प्रजाति का जी रहे हैं, और किस तरह से हम चारों तरफ अपने बच्चों के फेफड़े में, लोगों के फेफड़े में और पशु और पक्षियों के फेफड़े में जहर घोल रहे हैं। संविधान में हमें संपूर्ण गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, जिसका हनन हो रहा है। हे योगी आदित्यनाथ जी, हम हैं गाजीपुर में, राष्ट्रीय राजमार्ग जो यहाँ से NH 31 जाता है, जो सीधे जमानिया और बिहार को जोड़ता है, NH 24 उस पर
खड़े हैं और यह मार्ग सीधे ताड़ी घाट बारा मार्ग जो सीधे बिहार को जोड़ता है वहाँ खड़े हैं। 1 किलोमीटर की परिधि में यह कूड़ा और कचरा जान ले रहा है। मैंने अपने किया, बाप के भागी होंगे यहाँ के जिलाधिकारी श्री संजय खत्री, बाप के भागी होंगे यहाँ के चेयरमैन श्री विनोद अग्रवाल और बाप के भागी होंगे श्री मनोज सिन्हा जो दो दो केंद्रीय मंत्रालय के धारक हैं। बाप का भागी होगा देश का, जिले का एक एक सशक्त नागरिक जो पढ़ा लिखा होकर के भी घर में बैठा है, कलम नहीं चला रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, बाप का भागी तो अभी होगा। आज के दिन हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और इनके नाम पर दिखा दीजिए, इच्छा तो कर रही है आपके नाम पर थू करें, लेकिन पुनः आपका सम्मान करते हुए एक बार और भेजता हूँ। आशा है आप सभी के ज्ञान चक्षु खुलेंगे। बहुत बहुत